इस वक्त आपको खबर दें, बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना संगजाई और आई नॉन की मुकदमात अली अमीन गंडापुर आमपुर आमिर मोहल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजीद तफसीला जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा से। जी आलीजा, दहशत गर्दी इस्लामाबाद से, जहाँ पर बानी पी टी आई और दीगर के खिलाफ थाना संगजानी और आई नाइन में दर्ज मुकदमात के हवाले से अहम समाअत हुई है। अदालत का 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का इंदिया। बानी पी टी आई को वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रीम अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की है। अली नवाज अवान वासिक क्यूम अब्बासी आमिर क्यानी और दीगर अदालत में पेश हुए, जबकि वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आमिर मुगल की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। किसी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल नहीं होगी, ये कहना है जज ताहिर अब्बास सिपरा का। ये कोई वजह नहीं है कि मैं शायर से बाहर हूँ तो पेश नहीं हो सकता। हाजिरी पूरी ना होना मुल्जमान पर या कोर्ट पर है, हाजिरी पूरी करने मुल्जमान पर लाजिम है। तमाम गैर हाजिर मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी होंगे, ये कहते हुए समाज जो है वो अब मुलतवी कर दी गई है 8 जुलाई तक, और इनके नकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के और आमिर मुगल के। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलीजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।